नमस्कार, एमवी हेल्थ टिप्स चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने एक ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद इम्पोर्टेंट और आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास। आज की वीडियो में हम आपको दालचीनी से बनने वाले तेल के बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोगों ने कहा है कि दालचीनी का तेल हमें कहीं भी नहीं मिलता। तो दोस्तों, आज हम दालचीनी का बनाने का एक आसान तरीका बताते हैं कि दालचीनी से आप दालचीनी का तेल कैसे बना सकते हैं घर में आसानी से। चलिए दोस्तों, अब मैं आपका ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए दालचीनी के तेल की विधि स्टार्ट करते हैं कि आप उस दालचीनी के तेल को कैसे बनाएंगे। इस दालचीनी के तेल को आवश्यक बनाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको जैतून का तेल 100 ग्राम लेना है और 25 ग्राम दालचीनी के पाउडर की। जी हाँ दोस्तों, फिर आपको जैतून के तेल में 25 ग्राम दालचीनी का पाउडर मिलाकर हल्की आंच पे पकाना है। जी हाँ दोस्तों, आपको तब तक वह उस पाउडर को पकाना है जब तक वह गाढ़ा ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, उसको आपको बीच बीच में हिलाते भी रहना है कि दोस्तों वह चिपक ना जाए, और आप उसको जब वह गाढ़ा हो जाए तो उसे अपनी गैस से उतार ले और दोस्तों फिर इसे ठंडा होने के लिए थोड़ी देर छोड़ दे। जब यह ठंडा हो जाए तो फिर आपको उसे कपड़े में से छानकर एक बोतल में स्टोर कर लेना है। तो लीजिए दोस्त, अब ये दालचीनी का तेल तैयार है। इसे आप आवश्यकता के अनुसार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा ही आपको इस्तेमाल करना है उसी के अनुसार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, दालचीनी के तेल के क्या क्या फायदे हो सकते हैं, किन किन चीजों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब मैं आपको जल्द ही कुछ वीडियो में बताऊंगा। अगली वीडियो में मैं आपको इन सब के बारे में भी जानकारी देना चाहूंगी। तो दोस्तों, देखा आपने दालचीनी का तेल कैसे तैयार होता है, और आप भी अब दालचीनी का तेल तैयार कर बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और यदि आप हमारा इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, क्योंकि हमें इससे पता रहता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमें कुछ ऐसे वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहती है।